जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के सभी सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। वेलकम टू स्टडी विद वाई जी, मैं हूँ योगेश कुमार। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं सवालों की। तो क्वेश्चन नंबर एक है, रेणु 75 किलोग्राम 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियाँ खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लें। देखिए, यहाँ पर सवाल समझने से पहले एक बेसिक सी चीज समझ लीजिए। ये जो पूरी एक्सरसाइज है पूरी लासा और मासा पर आधारित है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सवाल में हमको लासा निकालना है और कौन से सवाल में मासा निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि लासा का मतलब होता है, हमने जैसे लिखाई कैसे पता करें कि सवाल में लासा और मासा, किस में मासा और किस में लासा निकालना है। तो आप जानते हैं कि लासा का मतलब होता है लघुतम समापवर्त, यानी लघुतम में लघु शब्द आ गया और लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे से छोटा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम में एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का कॉमन और एम का मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि छोटे से छोटा। तो यानी कि जब लघुतम समापवर्त उन सवालों में हम निकालेंगे जहाँ छोटे से छोटे की बात हो, कम से कम की बात हो, और न्यूनतम लिखा हो, सबसे छोटी लिखा हो और एक साथ लिखा हो, अगर ये शब्द देखने को मिल जाए आपको सवाल में, तो समझ लीजिए उस सवाल में आपको लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम। और यदि मासा निकालना हो तो उसकी पहचान क्या होगी? तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा, यानी कि हाइएस्ट। इंग्लिश में कहेंगे HCF, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। तो सवाल में जब अधिकतम लिखा हो, सबसे लंबा लिखा हो या सबसे बड़ी लिखा हो, तो समझ लीजिए कि उस सवाल में हमको मासा निकालना है। अब चलिए सवालों को सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें देखिए आप गौर से कि यहाँ पर इस सवाल में अधिकतम आ गया। क्या आ गया? अधिकतम। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है, हमने लिखा कि अधिकतम भार का मान अर्थात 75 और 69 का मासा। सवाल ने कहा है कि वे अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो हम निकालेंगे 75 और 69 का मासा। 75 का गुणनखंड किए 3 गुणा 5 गुणा 5 आया, 69 का गुणनखंड किए तो 3 गुणा 2 और गुणा 3 आया। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे, तो मासा बराबर हो जाएगा 3। मैंने मासा निकालना आपको पुरानी एक्सरसाइज में यानी 3.6 में सिखाया था अच्छे से। यदि आपने वो एक्सरसाइज ना देखी हो तो एक बार देख लें। फिर भी आपको मासा लासा यदि ना आते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर मासा निकाल लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप ले। क्वेश्चन नंबर दो है, तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम? अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम शब्द आ गया, इसका मतलब हमको निकालना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। न्यूनतम दूरी तय करेगी वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो हमने क्या किया कि न्यूनतम दूरी 63, 70 और 77 का निकालेंगे LCM। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमने इसका LCM निकाला। तो आप LCM ऐसे निकालते हैं जैसे कि कैसे, आप इस तरीके से निकालते हैं 63, 70 और 77, फिर आप ऐसे एक एक करके निकालते हैं। तो आप इस तरीके से निकाल के देखेंगे तो आपका आएगा 7 × 9 × 10 × 11, यानी कि 63, 70 और 77 का जो LCM आएगा वो आएगा 6930। अब जो 6930 आया, अतः इनमें से प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तय करें ताकि वह दूरी पूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अतः न्यूनतम दूरी बराबर 6930 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता, अब देखिए सबसे लंबा, सबसे अधिकतम, सबसे ज़्यादा, तो समझ लीजिए HCF निकालना है। ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले।
तो चलिए निकालते हैं। सबसे लंबा फीता अर्थात 825, 625 और 450 का निकालेंगे मासा। इसका मासा निकालेंगे तो 825 के गुणनखंड किया तो 3 × 5 × 5 × 11 आया, 675 गुणनखंड किया, फिर हमने 450 का गुणनखंड किया। अब इनमें जोड़े बनाएंगे तो आपका जोड़ा बन जाएगा, एक तो 3 का बन जाएगा ये वाला जोड़ा, एक 5 का बन जाएगा ये वाला जोड़ा, एक 5 का और बन जाएगा, एक ये 5 रहा, इसमें ये 5 रहा और इसमें ये 5 रहा। तो इस प्रकार से 3 × 5 × 5 यानी कि 75 सेंटीमीटर आ जाएगा मासा। इसीलिए सबसे बड़ा जो फीता होगा वो होगा 75 सेंटीमीटर का। कितना? 75 सेंटीमीटर का, क्योंकि मासा आया 75 सेंटीमीटर। जो कमरे होगी तीनों विमान का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा माप ले। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से 8 से और 12 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100। पर 100 में 6 का भाग नहीं जाएगा, ना 8 का जाएगा, ना 12 का पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप चेक कर लो। तो हम फिर 6, 8 और 12 का निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 24, यानी कि लास्ट आया 24। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100। अब जो ये 24 आया, अब इस 24 का भाग 100 में दे देंगे, यानी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 100 को 24 से। जब 100 को 24 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 24 × 96 और 4 शेष बच जाएगा। आप भाग दे के देख लो, जो 4 शेष बचेगा उसको 24 में से घटा देंगे और 100 में जोड़ देंगे। तो जब 24 में से 4 घटाया तो 20 आया और 100 में जोड़ा तो 120 हो गया। अर्थात 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 120 होगी जो 6 से 8 से और 12 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। आप चाहे भाग देके देख लो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे छोटी कह रहा था तो हमने सबसे छोटी संख्या 100 ले ली थी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 999। तो कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 से विभाज्य हो जाए। लेकिन 999 में 8 का और 10 का और 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हम फिर निकालेंगे 8, 10 और 12 का एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 120। अब 120 जो आया, हमने लिखा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। अब क्या करेंगे कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 999 को 120 से। तो 120 से जब हम 999 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा और 39 शेष बच जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेष बचेगा 39। अब जो 39 शेष बचा उसको 999 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 960। अब जो ये 960 आ गया ना, ये ऐसी संख्या आ गई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसमें 8 का भाग और 10 का भाग और 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी जो 8, 10 और 12 से विभाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? देखिए, ट्रैफिक लाइट है चौराहे पे जो लगी होती है, एक साथ जलती हैं फिर बंद हो जाती हैं फिर एक साथ जलती हैं। तो कह रहे हैं इतने इतने सेकंड के बाद बदलती हैं, यानी 48, 72 और 108 सेकंड के बाद। तो पुनः एक फिर वो एक साथ कब बदलेंगी? तो इसको हम क्या करेंगे कि 48, 72, 108 के निकाल लेंगे एलसीएम। और इसका एलसीएम आया ये, यानी 432 सेकंड। अतः वे पुनः एक साथ 432 सेकंड बाद बदलेंगी। तो 432 सेकंड के हमने मिनट बनाए तो 7 मिनट बने और 12 सेकंड बने। अब 7 बजे वो बदलें तो फिर 7 मिनट बाद, यानी कि 7:07 और 12 सेकंड पर पुनः एक साथ बदलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो हम क्या करेंगे, टैंकरों की अधिकतम धारिता मापने के लिए इनका एससीएम निकाल लेंगे, यानी कि मासा। अधिकतम कह रहा है ना, हमने पहले ही बताया जब अधिकतम आ जाए तो समझ लो मासा निकालना है। हमने इसका मासा निकाला, 403 के गुणनखंड किया, 434 का किया, इसके बाद 465 का किया, जोड़ा बनाया तो सिर्फ 31 का जोड़ा बनेगा। 31 के जोड़े में से हमने 31 ले लिया तो एससीएम हो गया 31। ठीक, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगी जो कि डीजल को पूरा पूरा माप देगा, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्या शेष बचे? 5। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है 6, 15 और 18 से भाग दें उस संख्या में, तो शेष बचना चाहिए 5। ठीक है, तो हम निकालते हैं वो संख्या। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले संख्या का लास निकालेंगे जो संख्या दी हुई है, और उसमें 5 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 5 शेष रहे कह रहा है, तो 5 को जोड़ देंगे। तो पहले हम 6, 15 और 18 का निकालेंगे लासा, तो इसका लासा आएगा 90। कितना आएगा? 90। और 90 में 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ा तो आया 95। ठीक, अतः वह संख्या हो जाएगी 95, जिसमें आप 6, 15 और 18 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। चाहे चेक कर लो, 18 का भाग दो, 18 पंचे 90, 5 शेष बच जाएगा, तो वो संख्या 90 आ गई। 15 से भी दोगे तब भी, और 6 से दोगे तब भी 5 शेष बचेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 95। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। यानी कि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या बतानी है जिसमें 18, 24 और 32 से पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होती है 1000, आप जानते हो, लेकिन इसमें आप 18, 24 से भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले हम 18 और 24 और 32 का निकालेंगे एलसीएम, जिसका एलसीएम आएगा 288। कितना आएगा? 288। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 1000 को 288 से, जो लासा आया 288 उससे भाग कर देंगे 1000 में। तो हमने भाग किया तो ये भाग जाएगा 3 बार, और 136 शेष भी बच जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब जो ये 136 शेष बचा, इसको 288 से माइनस कर देंगे और 1000 में जोड़ देंगे, तो 288 से 136 माइनस किया तो आया 152, और 1000 में जोड़ा तो आया 1152। अर्थात 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या 1152 हो जाएगी, जो कि 18, 24 और 32 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आप चेक कर लो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 18 का भाग देके देखो, 24 का देखो, और 32 से पूरा भाग चला जाएगा। चेक करने के लिए यही होता है कि आप चेक कर लो, भाग देके आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। हमें ऐसी संख्याओं का लासा निकालना जो 3 का गुणज है। ठीक है, 9 और 4 का निकालेंगे, ए बी सी डी दिया है इसमें, तो चलिए। और आगे क्वेश्चन अभी और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? प्राप्त लासा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। हमें एक ऐसा गुण पता करना है, उसको चेक करना है। क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज है? तो देखिए, गुणज आप जानते हैं, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 3 के गुणज हो गया, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 6 9 12 15, 3 के गुणज हो गए। 4 के गुणज हो जाएंगे 4 16, 4 चौके 24, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, तो ये 4 के गुणज हो गए। यानी आप पहाड़ा पढ़ते जाओ तो गुणज निकल के आ जाएंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ इसको चेक करते हैं। हमने हल किया, ए नंबर लिखा, 9 और 4 का लासा निकाला, 9 और 4 का लासा आया 36। कितना आया? 36। इसके बाद हमने निकाला बी नंबर, 12 और 5 का लासा तो आया 60। इसके बाद निकाला हमने सी नंबर का लासा, 6 और 5 का लासा तो आया 30। अब 12 और 4, 15 और 4 का लासा निकाला डी वाले का तो आया 60। अब गौर से देखिए आप, क्या देखने को मिला आपको? जब ए वाले का लासा निकाला 9 और 4 का, तो 9 चौके 36 होता है, और देखो लासा 36 आया, यानी इन दोनों का गुणा आ गया। 12 और 5 वाला देखिए, बी वाला, 12 पंच 60 होता है, और देखिए लासा भी आपको 60 आया। और देखिए 6 और 5 का लासा निकाला, 6 पंच 30 होता है, तो लासा भी देखो 30 आया। और 15 और 4 का निकाला तो 15 चौके 60 होता है, देखिए लासा भी 60 आया। कुछ समझ में आया क्या आपको? इसमें ये समझ में आया कि, और देखिए एक चीज और, जो 36 ये 3 का गुणज है, 60 ये 3 का गुणज है, ये 30 ये 3 का गुणज है, और 60 ये भी 3 का गुणज है। तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में आपको लासा 3 का गुणज है, और हाँ प्रत्येक स्थिति में लासा दो संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है? अभी अभी तो बताया 9 चौके 36, तो गुणनफल 36 आ रहा, तो देखो लासा भी 36 आया। तो प्रत्येक स्थिति में लासा कितना आ रहा है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो दी हुई संख्याओं का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं है। इस लाइन का मतलब यह है कि जो दी हुई संख्याएं हैं, ये संख्याएं दी हैं, जो संख्याएं दी हैं, ए में दी 9 और 4, तो क्या ये 3 का गुणज है? अच्छा, 9 और 4 में 9 तो 3 का गुणज है, लेकिन 4 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि 4 3 के पहाड़े में नहीं आता। 12 और 5 में 12 तो है, पर 5 3 का गुणज नहीं है। तो हमने लिख दिया कि जो इनका युग्म है, जोड़ा है,
वो तीन का गुणज नहीं है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3.7 का, तो इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। निकालते हैं 5 20 का, 6 18 का, 12 48 का। तो प्राप्त परिणाम में हमें आप क्या देखते हैं, प्राप्त परिणाम में आप क्या देखते हैं, ये आपको बताना है। तो ए नंबर सॉल्व किया 5 और 20, 5 और 20 का लासा निकाला तो आया 20, कितना आया 20। इसके बाद हमने बी नंबर वाला लासा निकाला, बी नंबर है 6 और 18, 6 और 18 का लासा निकाला तो आएगा आपका 18, और 12 48 का लासा निकालेंगे तो 48 आएगा, और 9 और 45 का लासा निकालेंगे तो 45 आएगा। अच्छा गौर से देखिए, 9 और 45 का लासा 45 आया, यानी कि जो एक इसमें से एक संख्या जो थी 45 वही लासा आया, और 12 और 48 का निकाला तो 48, यानी कि 48 ही लासा आया, यानी इसकी जो दूसरी संख्या है वही उसका लासा आ रहा है। 6 और 18 का देखो, 18 लासा निकाला, 6 और 18 का निकाला तो 18 ही लासा आया। तो हमने लिख दिया, निष्कर्ष मिला, क्या मिला कि प्रत्येक स्थिति में दी हुई संख्या लासा उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मतलब जो 6 और 18 में जो बड़ी संख्या वो 18 है, ठीक है, और 18 ही लासा आ रहा, तो उन दोनों में बड़ी संख्या ही लासा आ रहा है। इसी प्रकार से बी में 12 और 48 में 48, यानी बड़ी संख्या लासा आ रहा है, तो ये हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से हमने 3.7 पूरा सॉल्व कर लिया, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक इसकी फेयर बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।